बृहस्पति की कोई भी दृष्टि अगर नहीं पड़ रहा है तो भी जातक का आयु कम होता है। तांत्रिक न्यूमरोलॉजी में हमने ये भी बताया है कि आयु रक्षा आयु वर्धक यंत्र के बारे में बताया है। अल्प सीरीज की हम वीडियोस हम आपको दे रहे हैं कि अल्प आयु, देखिए अगर आपकी कुंडली में पहले चौथे सातवें और दसवां ये चारों घर यानी कि केंद्र का घर किसी भी जातक का अगर खाली होता है और लग्नेश अगर मजबूत नहीं होता है या लग्न के मालिक अगर मजबूत नहीं होता है और पाप ग्रहों के साथ में रहता है जैसे कि छठे आठवें और बारहवें में, तो आदमी अल्प आयु उसका कह सकते हैं कि उसका एज जो है वो कम है। दूसरा कंडीशन है कि लग्नेश अगर सूर्य के साथ शत्रु राशि में बैठा हुआ है तब भी जातक को बोल सकते हैं कि इसकी आयु कम है। तीसरा कंडीशन आता है जब भी किसी भी जातक का हम ये देखते हैं, जैसे कि अगर किसी के छठे घर बारहवें घर और आठवें घर इसमें अगर कोई बैड ग्रह बैठा हुआ हो यानी कि कोई खराब ग्रह अगर बैठा हुआ है और उस पर कोई बृहस्पति की कोई भी दृष्टि अगर नहीं पड़ रहा है तो भी जातक का आयु कम होता है। अब ये आयु कम होता है और कोई घटनाएं अगर घटित होती है तो कब घटित होती है ये भी हमको देखना समझना बहुत जरूरी है। तो ये घटित होती है उसकी दशा या अंतर दशा में, जब भी आप कहीं से कुंडली देखते हैं तो उसका देख लीजिए दशा और महादशा कौन सा चल रहा है। जिस महादशा अंतर दशा में जो ग्रह कमजोर होगा उसी समय घटित हो सकती है। तो जब किसी भी जातक का कुंडली आपके पास में आता है तो ये हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ये सब कंडीशंस उसमें आता है तो उसके लग्न पे को मजबूत करना, महामृत्युंजय का जाप जैसे कि 1 से 1.25 लाख करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप किसी को सजेशन दे सकते हैं। या तांत्रिक न्यूमरोलॉजी में हमने ये भी बताया है कि आयु रक्षा आयु वर्धक यंत्र के बारे में बताया है, वो आयु वर्धक यंत्र का भी दे सकते हैं। और ये तब भी कंडीशन, और इसका आपको दिखने कब लगेगा, बार बार जैसे कि मंगल करवाता है मंगल की दशा या अंतर दशा, बार बार एक्सीडेंटल केसेस करवाने लगेगा, कोई आदमी ये बीमार बार बार पड़ रहा है 6 महीना 7 महीना 8 महीना से अगर बीमार रहता है तो इस स्थिति में हम उसका देख लेंगे कि लग्नेश किस स्थिति में है और उस स्थिति से उसका सॉल्यूशंस दे सकते हैं। तो जब भी कोई आदमी आता है तो इस प्रकार से आप देखकर उसको बताइए कि भाई ये प्रकार की प्रॉब्लम है, आप इसका इस प्रकार से सॉल्यूशंस कर सकते हैं। अगर वो करना चाहता है तो अच्छी तरह से कर सकता है और वो प्रॉब्लम से निकल सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं।